हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल दलेर अपडेट्स में और स्वागत है आज की एक और नई वीडियो सीरीज में। सबसे पहले मैं आपको उद्देश्य बता दूं आज का जो वीडियो है। इससे पहले हमने काफी सारी इस टाइप की वीडियोस डाले हैं जिसमें हमने आप सभी लोगों को कमिट किया था कि हम धोलेरा की पूरी टाउन प्लानिंग की बात करेंगे और बताएंगे कि कौन सी टाउन प्लानिंग में कौन सा सब टाउन प्लानिंग का पार्ट है, प्लस कौन कौन से जोन आते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े सारे लोग गलत निवेश करते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है। आज हम बात करने वाले हैं टाउन प्लानिंग 3 की, इसमें कौन कौन से जोन आते हैं और उन जोन में क्या संभावनाएं हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज। इससे पहले हमने टाउन प्लानिंग 1 की बात की, टाउन प्लानिंग 2 की बात की। इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जो टाउन प्लानिंग 1 और 2 की वीडियोस हैं उनके लिंक भी दे देंगे, क्योंकि आप वहां से पूरी डिटेल्स यदि आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। टाउन प्लानिंग 3 की हम डिटेल बात करते हैं, शुरू करते हैं। टाउन प्लानिंग 3 में 4 पार्ट किए गए हैं, 4 पार्ट। टाउन प्लानिंग 3 में जो पहला पार्ट है जो लीनियर के अंदर आता है वो TP3A का है और सेकंड पार्ट है 3B। लेकिन दो पार्ट ऐसे भी हैं जो लीनियर के बाहर हैं, TP3C का 1 पार्ट कर दिया, TP3C का 2 एक नेक्स्ट पार्ट कर दिया। ये दो पार्ट लीनियर के बाहर है। अब थोड़ा सा पहले हम डिटेल जान लेते हैं कि जो लीनियर के अंदर आते हैं उनमें कौन कौन से जोन आते हैं। टाउन प्लानिंग 3A की हम बात करेंगे जो धोलेरा का हाई एक्सेस का सबसे जो प्राइम लोकेशन है वो मानी जाती है। इसमें हाई एक्सेस जोन आता है, इसमें रेसिडेंशियल जोन आता है, इसमें इंडस्ट्रियल जोन आता है और इसमें लॉजिस्टिक जोन आता है। ये 4 जोन 3A के अंदर आते हैं। इन 4 जोन में यदि आप निवेश करते हैं और टाउन प्लानिंग 3A के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो ये लीनियर के अंदर, यानी कि सेकंड फेज जिसके अभी टेंडर आने वाले हैं ये उसके। अब इसके निचले वाले हिस्से की बात करते हैं टाउन प्लानिंग 3B। टाउन प्लानिंग 3B लॉजिस्टिक और हाई एक्सेस, लॉजिस्टिक और हाई एक्सेस, थोड़ा सा इसमें इंडस्ट्री का पार्ट भी आता है, ये 3B के अंदर है। यदि आप 3B में निवेश कर रहे हैं तो यदि आप लॉजिस्टिक के अंदर कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हैं या फिर आप हाई एक्सेस के अंदर कर रहे हैं, ये दो पार्ट लीनियर के अंदर आते हैं। थर्ड पार्ट की हम बात करेंगे TP3C1 की, जिसको अभी अमूमन गवर्नमेंट लगभग पूरा नक्शा वगैरह रेडी कर चुके हैं और कुछ समय के बाद शायद ये इसके नक्शे भी आपको देखने को मिले। TP3C1 में जो है सबसे पहले हाई एक्सेस इसके अंदर आता है, इसके अंदर रेसिडेंशियल आता है। हाई एक्सेस और रेसिडेंशियल का ये पार्ट है TP3C1। इसके निचले हिस्से की अगर हम बात करें 3C2 का, तो 3C2 के अंदर रेसिडेंशियल भी आता है, इसके अंदर काफी बिग लैंड इंडस्ट्रियल का है, इंडस्ट्रियल का काफी बड़ा पार्ट है इसके अंदर जो आप देख रहे हैं। साथ ही साथ हाई एक्सेस भी इसके अंदर है और सिटी सेंटर भी इसके अंदर है। TP3 में यदि आप सिटी सेंटर के अंदर निवेश कर रहे हैं तो आप समझ जाइए TP3C2 का हिस्सा है। हाई एक्सेस जोन है, रेसिडेंशियल इंडस्ट्री। ये TP3 के 4 पार्ट हैं जो आज हमने आपको एक्सप्लेन किए, जो आपको आज हम रिटेल प्लानिंग के साथ बताया। लीनियर के अंदर अगर आज आप निवेश करते हैं TP3 के अंदर तो 3A या 3, बाहर करते हैं 3C1 या 3C2। और काफी अच्छा पोटेंशियल मुझे लगता है, मेरे नजरिए से अगर आप देखें तो TP3 के अंदर है। आप कहीं भी निवेश करें, आप इंडस्ट्रियल जोन में निवेश करें, आप रेसिडेंशियल जोन में निवेश करें, आप हाई एक्सेस के अंदर निवेश करें, आप सिटी सेंटर के अंदर निवेश करें, मुझे लगता है कि ये जो टीपी है ये द हार्ट ऑफ धोलेरा कहलाती है और यहां पर पोटेंशियल संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो यहां का जो वीडियोस हमारा बनाने का उद्देश्य था आप सभी लोगों तक पहुंचाने का, यदि आप इन टाउन प्लानिंग की इन सब टीपी में निवेश कर रहे हैं तो आप जान पाए कि कौन से जोन में निवेश। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी चीज का कोई भी प्रकार की
इंफॉर्मेशन लेनी है, आपको एडवाइस चाहिए गड़ेरिया स्मार्ट सिटी में कहाँ निवेश करना चाहिए, कहाँ पर संभावनाएं हैं काफी बड़े जो ग्रोथ है वो आने की, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं। किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन यदि आपको चाहिए गड़ेरिया स्मार्ट सिटी के रिगार्डिंग तो आप हमसे ले सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, ये वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए आप सभी लोगों से अलविदा। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।